का सवाल देखे भाई, 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मूल पर ज्ञात कीजिए। जल का अनुपात 18 व एथिल अल्कोहल का अनुपात 46। इसमें आपको जल और एथिल अल्कोहल के मूल प्रभाव की गणना करनी है। पहले हम निकालते हैं जल का मूल प्रभाव। जल का मूल प्रभाव बराबर जल की मूलों की संख्या बटे जल प्लस एल्कोहल के मोलों की संख्या। जल के मोल निकाले, जल के मोल की संख्या बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार बराबर। जल का भार कितना दिया? 36। अणुभार 18। आप देंगे दो बार जल 18 × 36 तो आ गया। इसके बाद एथिल एल्कोहल के मोल की संख्या बराबर एल्कोहल का भार, एल्कोहल का भार बटे एल्कोहल का अणु भार 46/46 बराबर 1। दोनों के मूलों की संख्या आ गई फॉर्मूले में। मान लो जल का मूल आ गया, एथिल अल्कोहल के मूल आ गए, इन दोनों मानों के फॉर्मूले में रखेंगे तो जल का मूल प्रभाज, जल का मूल प्रभाज बराबर जल की मूलों की संख्या कितनी है? 2 है। 2 बटे जल प्लस एथिल अल्कोहल, जल का 2 है और एल्कोहल का 1, 2, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। 3 से भाग देंगे तो पॉइंट लगा देंगे, 20 हो गया। 3 × 18 ये आ गया आपके जल के मोलों की संख्या। अब हम निकालेंगे एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। जल की मूलों की संख्या थी 2 प्लस एथिल अल्कोहल की मूलों की संख्या 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। 3 से भाग देंगे तो पॉइंट लगा देंगे, पहले 3 × 9 जल की मूल प्रभाज, जल की मूल प्रभाज बराबर 0.666 और एल्कोहल की मूल प्रभाज बराबर 0.333। कल आपका टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट है, विसरण तथा परासरण।